अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की। हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर की स्पेशल अदालत सेंट्रल के जज ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए FIA की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें FIA प्रोसिक्यूटर ने मौकफ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में बिला जवाब तोसी की, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान FIA की वकील से वकालतनामा मांगा। जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने वज़ीरे आला पंजाब के लिए मुतहिदा अपोजीशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज की हमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास से कब हमजा शहबाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंबियाल ने वजारत आला के लिए मुतहिदा अपोजीशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान किया। नुमाइंदा ग्यारह का कहना था कि बदकिस्मती से डेढ़ साल से हुकूमत में रहकर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के बेलौस सियासी खिदमात के बावजूद उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम होगी। अवाम हमारे साथ है और अपोजिशन अवाम से मुस्तरद शुदा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला सुना दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़मीर बेचने वाले अवाम के सामने आ गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के सावी कप्तान वसीम अकरम ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कहा कि खेल अभी ख़त्म नहीं हो। वसीम अकरम का शुमार इन क्रिकेटर्स में होता है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के शदीद हामी तस्वर किए जाते हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी वसीम अकरम सोशल मीडिया के जरिए तहरीक इंसाफ के हामियों की हिम्मत बंधाते हैं। अपनी ट्वीट में वसीम अकरम ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि वो क़यादत करने, लड़ने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।